ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित दाइंग रिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए कक्षा 10 और 12 के छात्रों की विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। विद्यालय के प्रिंसिपल एल रतन ने बताया कि देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विद्यालय परिसर में छात्रों को मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने की अपील की। स्कूल के छात्रों का कहना है कि शिक्षकों ने उन्हें कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक किया है और वे अपने आसपास के लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसको भी बता दीजिए, छोटा भाई छोटा बहन लोग हैं तो उसको भी। ऐसे तो हमारा अरुणाचल में शायद ज़्यादातर को तो हम वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसका भी टीकाकरण का जो सिचुएशन है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम पूरा लेना चाहिए। अभी भी जैसे मैंने अपना वैक्सीन तो ले चुका हूँ लेकिन फिर भी हम अपना मास्क लगाते हैं और अपना जो सैनिटाइजर्स को हम ऑलवेज लेके चलते हैं ताकि शायद आई मे नॉट बी अफेक्टेड होता हूँ लेकिन मैं कैरियर बन सकता हूँ, बहुत खतरनाक है। तो इसलिए मेरा यही लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि लोगों को जागरूकता कराएं और जिस प्रकार से हम अभी अपना जो टीकाकरण इसको पूरा लें और अपना जो दूरी है उसको हम लोग बरकराएं और अपना जो मास्क है उसको ऑलवेज उनको पहने। वैसे तो अभी जो अलग वेरियंट आ रहा है इसका विषय में तो अभी तक कोई जांच तो नहीं हुआ है और ना कोई उसका रिपोर्ट आई है, तो लेकिन अगर आ जाएगा तो ये बहुत भयानक है, उसको हमको होशियार बरकरार।